लालकुआ क्षेत्रीय विधायक एवं वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए से बनी सोलर फेंसिंग प्रोजेक्ट का बच्ची धर्मा क्षेत्र का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि फेंसिंग तारों से जंगली जानवर व हाथियों द्वारा ग्रामीण की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस मौके पर तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभारी वन अधिकारी संदीप कुमार भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। यहाँ हल्दूचौर क्षेत्र के बच्ची धर्मा ग्राम सभा में आज क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका व तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभारी वन अधिकारी संदीप कुमार ने सोलर फेंसिंग प्रोजेक्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान ग्राम सभा की ग्राम प्रधान रुक्मणी सहित कई जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रस्तावित है, इससे पहले केंद्रीय तराई में लगभग 5 किलोमीटर लग चुकी है और जो हल्द्वानी डिवीजन है उसमें भी 1200 मीटर इसमें लगने की प्रक्रिया में है। अभी हम लोग कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। उम्मीद यह है, सरकार की मंशा यह है, हम सबकी उम्मीद यह है कि हम अगले 4-6 महीने में इस इलाके को पूरा पैक कर देंगे जंगल और गांव के बीच, जिससे लोगों को 100% इससे निजात मिलेगी। इसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। जहां लगी है यहां पर अशोका जी प्रधान जो है बमेटा बंगल के सब अभी कहते हैं कि बिल्कुल हाथियों का मूवमेंट जो है रुक गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम रुकेगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो अभी इस पूरे टोटल एरिया को हमने फिर थोड़ा सा सर्वे किया और सर्वे में ये पाया गया कि लगभग जो है 17 से 18 किलोमीटर जो है एरिया है, लंबा एरिया है, जिसमें जो है विभिन्न तरह के उपचार किए जाने होंगे ताकि इसको हाथी और ह्यूमन कॉन्टैक्ट को कम किया जा सके। इसमें लगभग जो है 10 से 12 किलोमीटर का हमारा सोलर फेंसिंग का है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो है हमारा खाई खुदान है जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और इससे जो है लाभ ये होता क्योंकि ये टेंटिकल फेंसिंग है, टेंटिकल फेंसिंग में ये पर्टिकुलरली हाथी के लिए होता है और इसमें हाथी जो है एक बार जब उसको एक माइल्ड सा करंट लग जाता है तो एक दो बार जब उसको लग जाता तो उस एरिया में नहीं आता। तो उससे अपेक्षा यही है क्योंकि पहले भी हो रखा है, हल्द्वानी डिवीजन में हो रखा है, ट्राई सेंट्रल में हो रखा है, तो इसके अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। और जैसे कि आज हमने जो है बच्ची धर्मा गांव में जो है 1 किलोमीटर का इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया है, तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़िया काम करेगा और ग्रामीणों को जो है राहत मिलेगी। कुछ एरिया जैसे कॉरिडोर जो क्षेत्र है यहाँ पे उसके लिए जो है अभी पहले से भी प्लान चल रहा था और अभी भी प्लानिंग चल रही है, तो अभी क्योंकि कुछ एरिया जो है वो हमें छोड़ने पड़ेंगे ताकि जो है इसका जो क्या नाम है आवागमन है वो उसमें कोई जो है बीच में कोई वो ना हो। तो इस संबंध में जो है एक योजना भी विधायक जी से भी वही बात हो रही थी, तो हम जो है एक इसमें जो ये कॉरिडोर क्षेत्र किस तरह से विकसित किया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जो है अनइंटरप्टेड जो है हाथी का जो है आवागमन हो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की तरफ। काफ़ी मुझे उम्मीद है, मुझे वास्तव में प्राप्त हुई है क्योंकि काश्तकार हमारे रात्रि में भ्रमण कर रहे थे और हाथी के साथ एक फाइट ही कर रहे थे 2 सालों से, तो आज काश्तकारों के चेहरे में हंसी है कि वो लोग चैन की नींद सोएंगे और हाथी का मूवमेंट भी चेंज हुआ है। जी जरूर, काफ़ी माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सहयोग दिया है, अब इससे हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन काश्तकारों की नींद जरूर चैन से आएगी।